सर चिकन की ऑब्वियस ही बात है कि बर्ड फ्लू आया है तो लोग सीरियसली ले रहे हैं काफ़ी, और ये पहले भी चलती रहती है तो बहुत दिक्कत हो रही है चिकन में, तो सेल में बहुत फ़र्क पड़ा है। लगभग सर ऐसा लगा लो कि 30-40% की सेल रह गई है, और ऑलमोस्ट क्योंकि काफ़ी लोग स्ट्रिक्ट ले रहे हैं तो जिस कारण से लोग खाना पसंद नहीं कर रहे काफ़ी, जैसे कि दिल्ली वाले काफ़ी कस्टमर्स हैं, एक तो वैसे ही किसान आंदोलन चल रहा है, वैसे ही कस्टमर नहीं है रोड पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्योक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर, हम अंबाला के मशहूर ढाबे पूरन सिंह के ढाबे पर हैं। हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि बर्ड फ्लू के चलते रिटेल चिकन मार्केट पर क्या असर पड़ा है, लोगों में डर देखने को मिल रहा है या लोग चिकन खाने को सेफ समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जो पूरन सिंह का ढाबा चलाते हैं वो लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि जो लोगों में स्टार्टिंग में एक डर देखने को मिल रहा था क्या वो अब भी है, अब चिकन की सेल कितनी है और क्या प्रभाव आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर पहले तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीक्षांत है सर। सर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बर्ड फ्लू आया था इसकी वजह से चिकन की रिटेल मार्केट में क्या असर देखने को मिला आपको? सर चिकन की ऑब्वियस ही बात है कि बर्ड फ्लू आया है तो लोग सीरियसली ले रहे हैं काफ़ी, और ये पहले भी चलती रहती है तो बहुत दिक्कत हो रही है चिकन में, तो सेल में बहुत फ़र्क पड़ा है। सेल में बहुत फ़र्क पड़ा है, कितने परसेंट का, या पहले आपकी कितनी सेल होती थी और अब आपकी कितनी सेल हो रही, कितने प्रतिशत से सेल गिरी है? लगभग सर ऐसा लगा लो कि 30-40% की सेल रह गई है ऑलमोस्ट क्योंकि काफ़ी लोग स्ट्रिक्ट ले रहे हैं तो जिस कारण से लोग खाना पसंद नहीं कर रहे काफ़ी, जैसे कि दिल्ली वाले काफ़ी कस्टमर्स हैं, एक तो वैसे ही किसान आंदोलन चल रहा है, वैसे ही कस्टमर नहीं है रोड पे, और जो उनसे दिल्ली वाले कस्टमर काफ़ी फूडी होते हैं वो चिकन मटन खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से बर्ड फ्लू फैला है उस हिसाब से चंडीगढ़ और दिल्ली कस्टमर में काफ़ी डर सा है चिकन को लेकर, लेकिन फिर भी कई खाने वाले कस्टमर ऐसे होते हैं जो लाइक करते हैं वो खाते हैं, जिनको पता है हमारी रेसिपी कैसी है वो खाना लाइक करना पसंद करते हैं। जैसे आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, किसान आंदोलन की वजह से आपके काम पर क्या प्रभाव पड़ा है कि लोगों की आवाजाही इस हाईवे पर कम हुई है, या आपके काम पर किसी और तरीके से फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल फ़र्क पड़ा है किसान आंदोलन से। सर देखो बिल्कुल भी फैमिली कस्टमर नहीं आ पा रहा है, जितने भी फैमिली वाले हैं वो सब निकलने से पहले डरते हैं कि कैसा हो रहा है, जैसे आपको पता है अभी 26 जनवरी को कैसे वहाँ पे कितना वो हुआ, और बाकी चंडीगढ़ से काफ़ी कस्टमर आते हैं, वो आते हैं वापस चले जाते हैं, कोई दिल्ली ज़्यादा नहीं जा पा रहा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पहले कस्टमर की लाइन लगी रहती थी, अब वो वाली बात नहीं रही है, थोड़ा बहुत काफ़ी फ़र्क है। एक दो कस्टमर दिखते हैं वो भी किसान ही होते हैं जो चिकन खाना पसंद करते हैं, नॉनवेज लाइक करते हैं बस। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका कहना है कि अगर आप चिकन को 70 डिग्री सेल्सियस पर पकाते हैं तो उसमें अगर कोई वायरस होगा भी तो वो ख़त्म हो जाता है, तो आप कैसे चिकन को पकाते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? देखिए फ़िलहाल ऐसा अभी यहाँ पे अंबाला में कोई ऐसी खबर नहीं आई कि बर्ड फ्लू के बारे में, और वैसे भी जिससे हम चिकन लेते हैं उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, साफ़ सुथरा माल आता है, सब कुछ साफ़ आता है, और वैसे भी हमारा बनाने से पहले हम उसको एक बार तो चिकन काटा जाता है, फिर उसको साफ़ किया जाता है पानी से, फ्रेश वाटर से साफ़ किया जाता है, उसके बाद उसको बॉइल किया जाता है गर्म पानी में नीचे 100 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे कि उसमें जो वायरस होता है वो साफ़ हो जाता है, जो ब्लड होता है जो भी जो सा ऐसा होता है कोई पंख रह जाता है वो सब साफ़ हो जाता है, उसके बाद वो तरी में डाला जाता है और फिर रेडी किया जाता है। इस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग जैसे हमारे पास चिकन आता है तो जैसे WHO ने हमारे को गाइडलाइन दी हुई है कि आप उसको अच्छे से उबालो, उसके बाद में आप इसको अपना मसाले के साथ जैसे भी आप बनाते हो अपनी रेसिपी को वैसे कंटिन्यू रखो, तो हम लोग उसको पहले उबालते हैं अच्छे से, काटने में धोते हैं, धोने के बाद फिर उबालते हैं, उबालने के बाद फिर हम उसको मसाले में जो भी हमारा जैसे भी हमारी रेसिपी है वैसे हम बनाते हैं उसको। तो जैसे आपने जिक्र किया जहाँ से आप ख़रीदते हैं, तो जहाँ से आप चिकन ख़रीदते हैं उनके प्राइसिस में कोई फ़र्क आपको लगा कि आपको अब सस्ता मिल रहा है, फार्मर अपना सामान बेचने अपना प्रोडक्शन बेचने के चक्कर में सस्ता माल निकाल रहा है? नहीं ऐसा तो कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रोडक्शन के चक्कर में माल सस्ता निकाल रहे हैं, इतना कोई गिरावट नहीं आया रेट में, हार्डली 10-20 रुपीज़ का गिरावट आया होगा, इससे ज़्यादा गिरावट कुछ नहीं है, और जिनसे वो उनका माल आता है उनका खुद का अपना खुद का पोल्ट्री फार्म है, ऐसा वो किसी से बाय नहीं करते, उनका खुद का पोल्ट्री फार्म है आगे शाहबाद से थोड़ा आगे पड़ता है ऐसे 20 किलोमीटर दूर,
वो खुद का पोल्ट्री फार्म है और वो कोई ऐसा नहीं कहा होता उनके पास कोई, और उन्होंने बल्कि उनके पास टेस्ट भी हुए थे अम्बाला में, कोई ऐसी बर्ड फ्लू की कोई वो नहीं आई। बाकी चंडीगढ़ में थोड़ा था, थोड़ा दिल्ली में है, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं कि अम्बाला में कोई केस नहीं है, तो आप क्या कह रहे हैं कि सुरक्षित है चिकन खाना? हाँ, हमारे यहाँ तो सुरक्षित है बिल्कुल, हम अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी अपना रहे हैं। बाकी अम्बाला में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं जहाँ तक मैंने आपको बताया, बाकी हम जिस हिसाब से बॉयल करते हैं, उस जिस हिसाब से रेडी करते हैं, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई खाने में कस्टमर को। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, जो रिटेलर हैं और प्रशासन है और सरकार है, सभी एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी ना फैले और लोग अच्छे से प्रोटीन का सोर्स जो है चिकन, उसको कंज्यूम कर सकें। तो आप भी बिना किसी चिंता चिकन को कंज्यूम कर सकते हैं, अंडों को कंज्यूम कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी ही पोल्ट्री से जुड़ी जानकारी लेकर आते रहते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।